टाइम सुनो फेस करते हैं ये सिचुएशन जहाँ पे हमें डमी सा डेटा दिया जाता है राइट, और उसे हमें प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना होता है ताकि हम ये रिपोर्ट लीडरशिप को प्रेजेंट कर सके या फिर हमें हमारे क्लाइंट को दिखानी होती है, करेक्ट। सो ये मैंने सपोज कहीं से डमी सा डेटा ले रखा है, सीएसवी फाइल में हो अगर, तो आप उससे पहले एक्सेल में कन्वर्ट कर लो या फिर डायरेक्टली इंसर्ट कर लो, कंप्लीट योर चॉइस, या फिर एक्सेल में जो डेमो दिखा रहा हूँ आपको ये डेमो से आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये फाइल है मेरे पास, अंदर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल हैक्स मैंने पहले दे चुका हूँ दोस्तों, अगर आपको चाहिए एक्सेल हैक्स कैसे यूज़ करते हैं या फिर उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कंट्रोल टी पे प्रेस करो, कंट्रोल टी, ठीक है। आपको पहले टेबल क्रिएट करना है, सिंपल। टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रेंज नेम दे दो, सैलरी टेबल, ठीक है, कंप्लीट अपॉन यू, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, इसे मैं ये फॉर्मेट में रखता हूँ, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइन टाइप आपके लिए ओपन हो जाएगा, राइट। तो अब जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन पूछता है, माई टेबल हैज़ ए हेडर्स, ठीक है, इसे चेकबॉक्स को हमें ऑन करना है ताकि वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर ले, ठीक है। आता हूँ मैं यहाँ पे मेरे टॉपिक पे, देन यहाँ पे इंसर्ट में जाके मुझे प्योर टेबल पे क्लिक करना है। प्योर टेबल पे क्लिक करने के बाद ये टेबल रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, करेक्ट, जो मैंने नाम दिया था ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहा है। अब मुझे कहाँ पे शो कराना है इसे, तो लोकेशन मुझे यहीं पे शो करना है, देन ओके पे क्लिक, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये कुछ मुझे इस तरह से फील्ड आ जाती है। फील्ड आने के बाद नेम को मैं रोज में लेता हूँ एंड देन सैलरी को मैं वैल्यूज़ में लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है हमें जो वैल्यूज़ या फिर डिजिट्स जो कुछ हो हमें वैल्यूज़ में ही हमेशा ऐड करनी है, ठीक है। आप डेट कॉलम में ऐड कर सकते हो या फिर रोज़ में ऐड कर सकते हो, बट ठीक है, जस्ट ना जेनरिक थंब रूल, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन चेंज करूँगा, नेम, जैसे मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, सैलरी। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ठीक है, तो ये एरर हैज़ बिन ऑलरेडी टेकन, तो किसी और ने लिया हुआ नाम नहीं है, वो आपका ही टेबल का है, यहाँ पे जो आपने सैलरी ऐड कर रखा है एरर आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे डरना नहीं है। जस्ट सैलरी ऐड करने के बाद स्पेस पे क्लिक करना है एंड एंटर, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एडजस्ट करोगे दोस्तों इसको, तो हमें क्लिक करना है चार्ट पे, प्योर चार्ट एनालाइज पे जाओगे आप, प्योर चार्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो आपके क्लाइंट के सामने। तो मैं ले रहा हूँ पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट में यहाँ पे 3D पाई चार्ट, ओके पे प्रेस कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सैलरी एम्प्लॉइज या फिर एम्प्लॉइज सैलरी ऐसे कुछ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इसे मैं राइट क्लिक मार के हाइड वैल्यूज कर देता हूँ, देन इसे मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेबल्स ऑन करने हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ राइट उस चीज़ को, तो मैं डेटा लेबल ऑन कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे, मैं प्योर टेबल फील्ड्स बंद कर देता हूँ, चार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे डिजाइन फील्ड ऑन हो जाएगा आपके लिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो विच एवर टेबल और मे बी ग्राफ यू वॉन्टेड, ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट ले लेगा या फिर आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जिसे आपको प्रेजेंटेबल लगे फॉर्मेट, ठीक है। एंड देन मुझे खाली शो करना है फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाइज, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आने के बाद एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों, अगेन वापस शो कर रहा हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे था फॉर्मेट में, तो मुझे क्लिक करना है एनालाइज बटन पे एंड देन इंसर्ट स्लाइसर पे नेम वाइज, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे कॉलम्स को 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसे मैं नीचे लगा दूंगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ,
अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर आप चाहिए तो रख सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट मुझे वो विजुअल थोड़ा अच्छा नहीं लगा उसका, इसलिए मैं चेंज कर दिया उसे। तो आपके ऊपर है आपको कैसे हेड रखना है, एंड देन उसके आप चेंज भी कर सकते हो इसकी डिज़ाइन भी, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, करेक्ट। बैकग्राउंड में मुझे ये सब हाइड कर देना है, एंड देन मेक श्योर करना है जो जो ग्रिड लाइंस ऑन है, ग्रिड लाइंस भी ऑफ करनी है दोस्तों। एंड देन इसे ये जो बैकग्राउंड फील है इसका, करेक्ट, जो एडेड है इसके अंदर शो फिल में, यहाँ पे जाके नो फिल करना है। अगेन इसे हाइड कर देता हूँ। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों हंसिका पे, तो ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट शो करेगा हंसिका का। ये थोड़ा स्क्रीन जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप देख पाओ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डेटा मुझे इस प्रकार शो करेगा, ठीक है। अगर मुझे दो वैल्यूज चेक करनी है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करने के बाद, या फिर तीन, तो ऑटोमेटिकली मुझे शो होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप डेटा को फाइल में सेव करके एंड देन इसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। आप इसे पावर पॉइंट में भी ले सकते हो, वहाँ पे